दोस्तों आपण समस्त को आम चैनल के डी विजन आईडियो स्वागत तेज आज वीडियो रही आपणकर गत काली जो ओटेड नोटिफिकेशन आसी आप बहुत व्यस्त ब्रत 7 तारीख में जो नोटिफिकेशन आशेषकर आपणकर तो ये ब्रत जे ये नोटिफिकेशन जहाँ मेनसन अच्छी आपन ठीक से बुझीपार ना कल बुझे थी स्टिल बहुत पिला अच्छा बुझीपार ना तो मुझे डिटेल्स कह आज ये वीडियो रे आप जहाँ देखी ओटेट ओएसएस आप आगुरी जो मैंने क्वालिफाई करते दूर तक सर्टिफिकेट वैलिड रहिबो वर्तमान आउ दबा को पड़ो कि ना एवं ओटेट ओएसएस उच्छेद पर नुआ कौन आसो आपणकर आगामी जो रही जेटीसी रिक्रुटमेंट सीएसटी रिक्रुटमेंट प्रभाव कौन पड़ो डिटेल्स आलोचना कह निश्चित भाव कि आशा करी आपणकर एनपी लगे ये जिनस बुझे एंड ओडिशा इतिहास के देखा जाते एका सांगे आपर ओटेट एंड आपर ओएसएस आसवा अर्थात आपर प्राइमरी सेकेंडरी एका सांगे आसवा हो पार न था कितु जो आप चिंता करूँ ओटेट आसे पेपर वन एंड पेपर टू गोटे दिन में हुए सामान ढंग से आपणकर नुआ आप जो आस फर्माट टी एट आस कौनटा पूर्व लगे मुझे जानी बर्तमान सुधा तो तार पेपर वन फर प्राइमरी पेपर टू अपर प्राइमरी मैं जमी सीटेड हो पेपर वन वन रू क्लास फाइव पर्यंत एंड पेपर टू रोच आपणकर रही फाइव ने क्लास एट पर्यंत कि केवीएस तो अलाउ करूनी एंड पेपर टू जोटा रही आपर नाइन टेन्थ एंड ट्वेल्थ आप जानते ट्वेल्थ गोटे टी एड हमारा एनईपीए व्यवस्था रही एनईपीए क्लीयर मेनसन अच्छी पीजीटी कैटेगोरी आपणकर पीजीटी वर्तमान सुधा कौन टीएट रोन कि वर्तमान टीएट रो तो ये पेपर टूटा आसो ये पेपर टू रे क्लास नाइन रू क्लास ट्वेल्थ ओके ए पर्यंत रो तो ये एनपी कथा तो ओडिशा गवर्नमेंट जेहतु गोटे कंट्रेन्ट पावर भितर आसूसी आपंकर सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट पावर अच्छी स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट पावर अच्छी तेणु संपूर्ण एनपी लागू करने कौन स्टेट बाध्य नुहे तो से आपणकर जो पेपर टूटा क्लास नाइन रू टेन करेंगे बा आप ट्वेल्थ करेंगे सेटा ओडिशा गवर्नमेंट पर डिपेंड करे एंड यही पेपर वन टा आप कौन करेंगे गवर्नमेंट डिपेंड किंतु जेहेतु यहाँ आप गत वर्ष इंस्ट्रक्शन आप देखुं गत वर्ष इंस्ट्रक्शन दिया आप देखिं गोटे ये क्लीयर कहुई गोटे ओनली कंडक्ट ओनली वन कमन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपणकर जोटा सजेस्ट करा टू सिलेक्ट द टीचर्स फॉर बोथ सेकेंडरी एंड प्राइमरी एवं अदर थिंग्स मानने जहाँ जहाँ रही अर्थात आप जो वर्तमान अच्छा मानने नन ऑटेड टीचर अच्छा से क्वालिफाई कर पार ना रेगुलर हो गणशिक्षक से मानको भी इनक्लूड करके एग्जाम करा कि हठात गोटे वर्ष हठात आप गोटे एजेन्सी को देते सिलेबस रिपेयर नाखे स्ट्रक्चर न हठात करें से रिमाइंडर देलापर ना ओएसएस करदे ओएसएस नि दरकार एवं वर्तमान ऑन बिहाफ ऑफ नॉन ओटेड टीचर्स मैंने जो मैंने ओटेड नहांती गणशिक्षक मैंने पाखापाखी 8-9 हजार अच्छा तो ये 8-9 हजार टीचर पर वर्तमान ओटेड हम इस फ्रेश पिलाने अप्लाई करेंगे ना अप्लाई कले भी आप सर्टिफिकेट किसी भैल्यू रही सर्टिफिकेट आप वैलिड हेनी 2022 मसीह ओटेड सर्टिफिकेट कहीं आपटा नुहे तो इन कोर्स ऑफ जहाँ आपर वर्तमान प्रिंसिपल सेक्रेटरी से आलोचना होती वर्तमान केवल नॉन ओटेड टीचर मानी एंड तार एग्जामिनेशन सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर फर्स्ट वर्तमान आउ दुई मास पर करा जिवो तो कथा होची आपण मानी फ्रेश पिलाई कौन हम फ्रेश पिलाई पाखापाखी आप अगस्ट सी एस टी आसवर अच्छी तेणु अगस्ट आप जो टीएड नोटिफिकेशन पाइबे कहीं आप रेजिस्ट्रेशन नंबर पाइले तो आप अप्लाई करेंगे ना रेगुलर पिलाने अप्लाई करेंगे तेणु रेजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिल जाए अप्लाई भी करेंगे अगस्ट मस तो कथा या अगस्ट मस टीएड नुआ टीएड आसो फ्रेश पिलाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ ऑप्शन रहा है तो मैंने गोटे टीएट हम गोटे टीएट जो मैंने आपिययर करेंगे जेहेतु जेटी एंड सी एस टी कंटिन्यूसली चलो मुझे ये भी कनफर्म करदे जेटी आउ सी एस टी दुईटाक आपंकर साममटानियसली चलो यहाँ आप मन रखु जेटी आउ सी एस टी दुईटा आक साममटानियसली चलो जमी ओएस आउ सी एस टी चलता तेणु जेटी जो मैंने टीएट देते जो मैंने टीएट पेपर वन आपिंग मैंने पास कर आगुरी से वैलिड रोटा कह आगे भिड एंड जाए देखिए जो मैंने आपिययर करेंगे से मैंने आप्लाय करेंगे पेपर वन
जो मैंने टू रे अप्लाय करेंगे बीएड पे से सी एस टी करेंगे गोटे टेट हम बीएस गोटे टेट कर एंड बोथ आप रिक्रुटमेंट चलो बोथ पे एलिजिबल हे रेजिस्ट्रेशन नंबर देखिए यूँ आप ये जिनसा एपर्तंत भी आम कन्फ्यूज समस्त थे तो ये जिनसा बर्तमान क्लीयर होगा आउ कि डाउट ना एवं आम देखा नेक्स्ट कथा हूँ आपणकर मानने वैलिड सर्टिफिकेट वैलिडिटी के वैलिडिटी कौन रहा निश्चित भाव में यहाँ भी चिंता करे आमर जो रही जो मैंने प्रीवियस आगु पास आउट हो पाने से मानकर कौन हम तो मुझे यहाँ कहूँ ओटेट आरंभ है 2012 आपणकर बार मसीह आरंभ है ओएसएस आरंभ है 2015 मसीह 15-16 मसीह पाखापाखि आरंभ हो तो जो माने भी क्वालिफाई करिसेंती आगुरु जो माने भी क्वालिफाई करिसेंती से माने एलिजिबल माने ओटेट आपणकर पेपर वन किसी पिला क्वालिफाई करिसेंती पेपर वन एंड ओटेट पेपर टू किसी पिला क्वालिफाई करिसेंती तो आ गोटे कन्फ्यूजन भी आभर अच्छे मुझे कह तो समस्ते कौन पे एलिजिबल ना प्राइमरी पे एलिजिबल क्लास वन रु एट पर्यंत एंड जो मैंने ओएसएस क्वालिफाई करिसेंती से माने भी आपणकर सेकेंडरी पर्यंत एलिजिबल लाइफ टाइम जो सर्टिफिकेट वैलिडिटी अच्छी आपणकर सर्टिफिकेट मान्यता आपण जेपर्यंत चाकरी करने को योग्य अच्छा आपणकर रहिबो किछि आपणकर हम्पर करिबो नाही किंतु कथा होची डिफरेंट वर्तमान ए दुटा को मिसाई आपणकर गोटे टीएड माने कर पेपर वन पेपर टू मिसाई गोटे टीएड करदे गोटे टीएड जब करदे आपणकर सेतेबेले कौन हम ना से आपणकर पेपर टू रे जमी रोला स्पेसीफिक आपणकर मानने हिस्ट्री जोग्राफी रोला मैथ रो ना से रही कमन आसो पेपर वन जमी आस कमन समस्त आसो कितु सपोज गोटे पिला ओटेट पेपर वन क्वाफाई कर सुजोग मिल जाव क्लास एट पर्यटन आप्लाई करने मानने जो जेटीसी रिक्रुटमेंट आसो आज्ञा जो जेटीसी रिक्रुटमेंट आसो मे भी आपणकर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी एमती न आसी पारे अर्थात यहाँ मर्ज है कि गोटे आगु कौन आसला प्राइमरी अलग अपर प्राइमरी अलग ओटेट टू क्वाफाई कले अपर प्राइमरी ओटेट वन क्वाफाई कले प्राइमरी यहाँ आउ नईपे कि एथर कौन हम बर्तमान सुधा डिसाइड ना कहीं आपर अलरेडी रिजल्यूशन प्रोसेस सरी तो एथर रिजल्यूशन अनुसार मे भी करदे पारती नेक्स्ट टाइम से मैंने यू मर्ज करदे प्राइमरी अपर प्राइमरी रही ओनली प्राइमरी गोटे सेकेंडरी जमी के भीएस कर वन रु फाइव जाए प्राइमरी करदे सिक्स रु टेन जाए करदे अपर प्राइमरी सरी सेकेंडरी तो बर्तमान ट्वेल्थ आड है मैंने मे भी आप वन रु एट पर्यंत आड करके आपणकर नाइन रु ट्वेल्व पर्यंत यहाँ पीजीटी पेपर टू गुटा आड कर सीटेट भी बर्तमान करनी सेमती सीबीएसई भी करनी कहीं आप डेडलाइन रही 2021-2030 एनईपी लागू करने तेणु कौन स्टेट कौ डेट करेंगे आप देखिए बिहार एवर्ष सिटी एडमिशन होशार होनी कहीं बिहार एपर्त लागू करनी बिहार केवे कर आम कहीपर मे भी 2030 लास्ट से दिन करें ओके तेणु ओडिशार डीएलएड बंद हो तो सामान परिस्थित मुझे कहली तो वर्तमान जो मैंने आगु पास होते हैं सर्टिफिकेट वैलिडिट रही असुविधा हेनी यहाँ आप एनश्योर हो जातु ठीक अच्छे एति आप एनश्योर हेले देन नेक्स्ट आम आगे जावा नेक्स्ट हूँ आपणकर सर्टिफिकेटर जोटा आपणकर मानने वैलिडिटी कथा आप जान लें कि रिक्रुटमेंट उपर कौन इंपैक्ट पड़े एलिजिबिलिटी यहाँ भी गोटे वाइटल पॉइंट आलोचना करने कहीं कौन ना देखो सी एस टी जो रिक्रुटमेंट अच्छी एत इंपैक्ट पड़े ना कहीं आपर जो मैंने ओएसएस क्वालिफाई करते हैं सी एस टी एलिजिबल जो मैंने नुआ टीएड आसो आपणकर टू क्वालिफाई करेंगे से सी एस टी एलिजिबल हे किंतु इंपैक्ट पड़े जेटीसी उपरे जमी कहती सपोज गोटे पिला आपणकर ओटेट वन क्वालिफाई करा ओटेट वन क्वालिफाई करोप एलिजिबल होता पेपर वन पेपर फाइव कहीं बर्तमान तो बीएड पिला भी अलाउ हो प्राइमरी तेणु सीटी हो बीएड पेपर वन क्वालिफाई कर वन टू फाइव जाए एलिजिबल होता और जेटीसी रिक्रुटमेंट बाहर से जेटीसी प्राइमरी जेटीसी आपणकर जेटीसी बाहर था कौन ना प्राइमरी आपणकर बाहर था से एलिजिबल होता आउ जेटी जो अपर प्राइमरी बाहर था जेटीसी आपड़े आपणकर बाहर था कौन ना अपर प्राइमरी बाहर था ये अपर प्राइमरी भी किए एलिजिबल होते ना ओटेट जो मैंने क्वालिफाई कर पेपर टू ओके तो पेपर टू कौ मैंने क्वालिफाई करते ना ग्राजुएसन प्लस सीटी बा ग्राजुएसन प्लस बीएड ये ही एलिजिबल होते तो वर्तमान जदि आप ओटेट वन गोटे पिला क्वालिफाई कर बाध्य
जेटीसी क्लास वन क्लास एट पर्यंत टोटल गोटे पोस्ट बाहर करोसी साइंस आर्ट्स डिफरेन्ट डिफरेन्ट किसी वगैरह वगैरह किसी ना तो सामान दृष्टि आपन को पड़ो एवं पेपर टू जे क्वालिफाई करमेरी बाची पारे प्राइमरी अपर प्राइमरी जब उठीज रिजोल्यूशन आप रही 2019 4-4-4 रिजोल्यूशन आसी से अनुसार जेटीसी रिक्रुटमेंट कर जिनस हम किंतु वर्तमान हुए तो गवर्नमेंट करपे वर्तमान गवर्नमेंट आप जो रिजोल्यूशन प्रिपेयर अच्छी रिजोल्यूशन आप गोटे कोरेजेनम आने पड़ो कोरेजेनम आने पड़ते कोरेजेनम न आनी हूँ तो यही रिक्रुटमेंट सेमती आप आज यूजुआल हो जाए समस्त सबुटे आलाउ करदेपी जो मैंने आगु क्वालिफाई कर पेपर वन पेपर टू अपर प्राइमरी प्राइमरी भी रखा व्यवस्था करें कि इन फ्यूचर आपणकर मानने आगु जो मैंने क्वालिफाई करेंगे से मैंने मैं जेटीसी आप किसी एलिजिबिलिटी चेंज हो पाए बर्तमान एलिजिबिलिटी चेंज हो देखा चेंज हो पारे कि चेंज ना भी कंट्रोवर्सी तैयारी हम कहीं जो मैंने आगु सीना क्वालिफाई पेपर वन पेपर टू आप रखिए मैंने ओटीटी पेपर वन क्वालिफाई करते प्राइमरी अप्लाई कले पेपर टू क्वालिफाई करते अपर प्राइमरी अप्लाई कले जो मैंने एवं फ्रेश आप जो टीएड बाहर करेंगे फ्रेश टीएड आप मैंने पेपर वन टा क्वालिफाई करेंगे से तो प्राइमरी पे एलिजिबल मैंने क्लास वन क्लास एट जाए एलिजिबल तो मैंने आप प्राइमरी अपर प्राइमरी बोथ पे एलिजिबल से तेणु ये पिला चेस्टा करेंगे यहाँ देवाई ओके तो ये गोटे कंट्रोवर्सी अच्छे और किसी ना तेणु गवर्नमेंट से कौन कर डिसीजन से आपको ऑफिशियल एक्चुअली जन बर्तमान से ना कि यहाँ बर्तमान यही जगार ही मैंने कन्फ्यूजन अच्छी एंड कंट्रोवर्सी स्टेज अच्छे यहाँ तो आम नेक्स्ट देखिए तो आउ गोटे कथ हूँ वैलिडिटी वैलिडिटी केते टीएट वैलिडिटी केते आपण एनसीटी रो मुडे लेटर देखु आपण देखु 9/6/2021 लेटर तो सेठी कुआ गला जे एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीचर एलिजिबल टेस्ट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग जो माने जते आगर क्वालिफाई करछन्दी किछ असुविधा नै द वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीएट आपणकर रही छि आपणकर कोन अपॉइंटमेंट जे पर्यंत न होय छन्दी अनलेस अपॉइंटमेंट जे न होय छन्दी से पर्यंत आपणकर फॉर द लाइफ वैलिड फॉर द लाइफ नै जीवन सारा वैलिड रहो किसी असुविधा ना ओके एंड आउ गोटे कथ कहला देखूँ जो 2011 मसीह टीएट लागू करागला सेबेटा आपंकर मानने बैकग्रेड रू काउंट करागला अर्थात आगु जो मैंने क्वालिफाई करेंगे से केवल नुहे जो मैंने अतिथि क्वालिफाई करेंगे से आउ गोटे कथ कहला देखो सीन्स द प्रोविजन जहाँ आप इफेक्ट रहा इफेक्ट फर मैंने कौन डेट्रु इफेक्ट रही ना 11/2/2011 मान जो आप टीएट्र गाइडलाइन इश्यू है से यहाँ कनसर्न बडी और स्टेट गवर्नमेंट सब यूटी समस्त को दिगला नेसेसरी एक्शन स्टेप नापी तेणु आप जो मैंने भी ओटेट क्वालिफाई कर सपोज 2012 तो यहाँ आप 2012 भी आपंकर वैलिड बर्तमान किसी असुविधा ना तो ओटेड ओएसएस आपंकर वैलिड रहा किसी भावार ना कि आपंकर असुविधा ना यहाँ आप कन्फ्यूजन थी यहाँ मुझे दूर करदेली तो नेक्स्ट टाइम देखिबा नेक्स्ट होइछि कोन ना नेक्स्ट होइछि आपनकर सिलेबस चेंज मु कहली जे सिलेबस आपनकर चेंज हबो निश्चित कैना आपनकर देखंतु ओटेट आपनकर जो आपनकर पेपर 1 जो होतिला एटा सीटेट पेपर 1 सब पूरा समान किंतु ओटेट पेपर 2 जोटा होतिला सेटा प्राइमरी आपनकर ओटेट कैना 1 टू 8 जे प्राइमरी भीतर जाउचंती किंतु आर्ट्स पिला पय डिफरेंट होतिला आर्ट्स पिला पय साइंस पिला पय डिफरेंट होतिला आपंकर आर्ट्स पिलांर 60 मार्क आर्ट्स रोला साइंस पिलांर 60 मार्क आप साइंस रोला यहाँ आउ रही तो यहाँ आज यूजुआल आप पेपर वन भाई समस्त तेणु ओटेट सिलेबस चेंज हम किंतु मानने चंद्रपृष्ठ सिलेबस रखिए से ही भितर मिसे मसी आप रखिए देन ओएसएस आप जो होता ओएसएस आप सेकेंडरी लेवल तेणु आपंकर सिलेबस से हिसाब से रोक किसी चेंज एत हबार ना पीसीएम सीबीएड सिलेबस एमती आपंकर डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस रोज कथा या जे आपंकर ओएसएस क्षेत्र में सीटेट आप पेपर टू दौंट से पीसीएम कहतु सीबीजेड कहतु ओके सीबीजेड कहतु तो आपणकर जो रोचे सिलेबस रोचे गोटे एग्जाम माने साइंस गोटे आर्ट्स आपणकर गोटे तो अर्थात हिंदी भी से देवे हिंदी मानक भी आपणकर आर्ट्स से पार्ट दवा पड़ो संस्कृत मानक भी से पार्ट दवा पड़ो तो सब से दवा पड़ो तो किंतु ओडिशा डिफरेंट आपणकर डिफरेंट सिलेबस आगजाम कथा हूँ आपणकर सीटेट रे सेम जिनस आर्ट्स जो रही कैटागोरी अच्छी ओडिया इंग्लीश से जगह हिंदी पूरी दौरान इंग्लीश पूरी गोटे पेपर सब रही ना आप पसंद अनुसार आप दौरान पेपर वन आप चूज कर ओडिया किए हिंदी चूज कर पेपर टू आप चूज कर किए इंग्लीश किए डिफरेन्ट सब्जेक्ट उर्दू चूज कर
डिफरेन्ट रोज तो एथिरे किछि परिवर्तन आसी पारे जदि सीटेट सिलेबस को सीबीएसई को फॉलो करिवो ओडिसा नहले वेस्टेस्ट रे किछि एते बड परिवर्तन हबार नाही। केवल प्रॉब्लम अछि एही पेपर 2 रे ओटेट जेतु एही दिना मर्ज हे जी गोटे हे जीवो तेनु आपनकर ए जो स्पेसिफिक पार्टा न रही पारे किंतु वर्तमान तो कन्फर्म हे हेले जानिबे आपनको तो निश्चित भाव में आपको मैंने जहाँ जहाँ आप डाउट्स क्लीयर करी किसी डाउट्स अच्छी आपत कहीपर आपण चेस्टा करी आप डाउट्स क्लीयर पर तो निश्चित भाव में आप जो मैंने देखुले वीडियो जब आप पसंद आसान सेयार करेंगे कहीं डाउट्स समस्त क्लीयर होगा दरकार निहाती आज वीडियो को शेष करवा धन्यवाद।